हेलो आज हम बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता बनाने वाले हैं, जो कि सुबह के ब्रेकफास्ट में सभी को बहुत पसंद आएगा। अधिकतर ऐसा होता है कि चावल बच जाते हैं और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप उसे फ्राई करके घर वालों को खाने को दें या ऐसे ही खाएं। और घर वाले ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरह से नाश्ता बनाकर खिलाएंगे तो सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये नाश्ता बचे हुए चावल से बना है। तो चलिए इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक मिक्सर जार के अंदर इस बचे हुए चावल को डाल देंगे। यदि कप से नापेंगे तो ये 2 कप चावल है, तो आपके पास जितने चावल बचे आप उनका यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर, जिसे मैंने रफली इस तरह से कट कर लिया है। टमाटर डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है इस नाश्ते का, तो आप टमाटर को जरूर डालिएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी, जिसे रवा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और फिर इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, और अब इसे हम पीस कर इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। अब हम इसे तो यहाँ पीस पर आप लेंगे, पीसते समय एक चीज का ये ध्यान पीस रखिए, करें, जब आप पेस्ट पीसिए तैयार तो इसे करें। थोड़ा सा रुक रुक के पीसिएगा। ये देखिए, तो आप यहाँ पर इस तरह से आपको पेस्ट रेडी करना है। मैं यहाँ पर रेडी कर लिया है पेस्ट को, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पेस्ट को ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए आप पानी ध्यान से ही डालिएगा। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। यदि ये पेस्ट एकदम ज्यादा पतला हो गया तो फिर आपको इसमें सूजी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप एकदम ज्यादा सूजी डालेंगे तो इस नाश्ते में आपको फिर सूजी सूजी का ही टेस्ट आएगा, इसलिए यहाँ पर आप पानी थोड़ा सा ध्यान से ही डालिएगा। और बैटर की कंसिस्टेंसी को बिल्कुल बराबर रखिएगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इस पेस्ट को हम 5 मिनट के लिए ढककर के ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि ये पेस्ट भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके लिए हम जब तक एक बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक तड़का पैन में हम डाल लेंगे 1 चम्मच तेल, और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच राई, और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राई अच्छी तरह से चटक गई है, मीन्स की राई अच्छी तरह से पक गई है। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा, और फिर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच सौंफ। अब इन्हें हम थोड़ी देर के लिए तेल में फ्राई होने देंगे। सौंफ डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो सौंफ को आप स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, इसे जरूर डालिएगा। इससे नाश्ते का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मनपसंद और भी सब्जियां डाल सकती हैं, जो सब्जियां आपको पसंद हो, और जो पसंद नहीं हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज में बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर का भी जो कच्चापन है वो चला जाए। हल्दी पाउडर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो हल्दी पाउडर को भी आप जरूर डालिएगा। तो यहाँ पर तड़का बनकर तैयार हो चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे। 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं, जो बैटर है इसने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तो जो हमने तड़का बनाया है उसे हम इसके अंदर डालेंगे। जब ये नाश्ता बनकर तैयार होता है तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि इसे हमने रात के बचे हुए चावल से बनाया है। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच नमक, नमक अब आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला, यदि आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है, एक बार आप इस तरह से मैगी मसाला डालकर ये नाश्ते को जरूर बनाइएगा, इसे स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमें बाकी और कोई मसाले नहीं डालने हैं। यदि आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप जो घर में रेगुलर मसाले खाने के लिए यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ पर एक मसाला डालकर भी इस नाश्ते को और टेस्टी बना सकते हैं। यदि आपके पास पाव भाजी मसाला हो तो वो डालकर भी आप इस नाश्ते को बनाइएगा, उससे भी बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और बैटर की कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह का आपको यहाँ पर बैटर रखना है, एकदम ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 पैकेट इनो फूड सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पर ये रेगुलर वाला इनो फूड सॉल्ट लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है इस नाश्ते का, तो आप यहाँ पर इनो डाल के ये बनाइएगा। खाने का सोडा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे इतना ज्यादा बेस्ट रिजल्ट नहीं आता है। अच्छी तरह से इनो डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे, और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो बैटर है बिल्कुल फ्लफी दिखाई देने लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट लगने लगता है। तो यहाँ पर आपको इनो डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फटाफट से नाश्ता बनाना शुरू करना है। तो अब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्पेशल तड़का पैन लिया है। यदि आपके पास तड़का पैन नहीं है इस तरह से, तो आप नॉर्मल घर में जो तवा है उस पर भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल को पूरे पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला देंगे, और हल्का सा तेल को हम गरम होने देंगे।
तो तेल है यहाँ पर जो अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पर बैटर रेडी किया है उस बैटर को हम इसके अंदर डालेंगे। तो 1 से 2 चम्मच बैटर भरकर हम इसके अंदर डालेंगे। एकदम ढेर सारा बैटर बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो उसे पकाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा और ये जो नाश्ता है ये थोड़ा सा फूलेगा क्योंकि हमने इसमें इनो का यूज़ किया है। तो ये देखिए इस तरह से हम बैटर को फिल कर देंगे और अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। धीमी आंच पर पकाइएगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से अंदर तक पककर तैयार होता है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा। तो यहाँ 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छी तरह से पक गया है और उसके ऊपर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया और यह हल्का सा ड्राई दिखाई देने लगा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि जब हम इसे पलट कर पकाएं तो ये इजिली से अच्छी तरह से और पक जाए। और अब इसे हम पलट देते हैं। वाह देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड से भी इसे हम पका लेंगे। अब यहाँ पर इसे हमें ढकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिना ढके ये अच्छे से पक जाएगा क्योंकि एक साइड से हमने इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाया है। और इसे आप यदि वापस से ढककर पकाएंगे तो इसका क्रिस्पीनेस है वो हल्का सा कम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे वापस से पलट दिया है और उसमें दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। वाह कोई कह सकता है कि इसे हमने बचे हुए चावल से बनाया है। तो यहाँ पर हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम उठा कर प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप इस बचे हुए चावल की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर खिलाइएगा अपने घर वालों को। अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और यदि ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे एक बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।